आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन इज गिवन द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर अबव द लोअर विंडो बलून फ्रॉम दीज वि सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक विंडो है जो की ग्राउंड से तो हम पहले ग्राउंड ले लेते हैं मान लो ये ग्राउंड का ले, ले लेते हैं टू मीटर अब ठीक है यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गई टू मीटर अब इस विंडो से ये एक विंडो है इस विंडो से कह रहा है कि फोर मीटर तो इस विंडो से फोर मीटर अब लेते हैं एक और ये मान लेते, है, ले ले लेते हैं ये फोर मीटर अब ठीक है ये हो गई यहाँ तक की डिस्टेंस एक विंडो ये हो गई एक विंडो ये हो गई और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहाँ तक की फोर मीटर हो गई ग्राउंड से फर्स्ट विंडो टू मीटर हो गई ठीक है इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे एड

अगर हम इसको नेम दे देते हैं लाइक दिस इज ए बी सी इसको डी इसको ई e, और इसको एफ अब हम सेकेंड थिंग इसको मान लो एक्स मीटर लेट कर लेते हैं ये डिस्टेंस अब पूछा क्या फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड ठीक है ये हाइट पता है सी डी डी ई पता है इसको एच ले लेते हैं ये अनोन अगर ये पता लग जाएगी तो तीनों को एड कर देंगे टोटल हाइट आ जाएगी ठीक है तो ये हमने सब लिख, लिख लिया है अब हम लेते हैं ट्राइंगल सबसे पहले हम यूज करेंगे ट्राइंगल ए बी सी दिस वन ए बी सी ठीक है लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा टेन लगा लेते हैं टेन थर्टी डिग्री तो टेन थर्टी डिग्री क्या होता है एच अपॉन बेस मीन्स ये एक्स से तो देखिए ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा सब इक्वल है एच अपॉन एक्स ठीक है तो हम लिख सकते हैं टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है वन अपॉन अंडर रूट थ्री विच इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स या हम इसको लिख सकते हैं एक्स और एच में रिलेशन निकालने के लिए एक्स इज इक्वल टू एच रूट थ्री और इसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड ट्राइंगल हम लेंगे अब ये वाला ट्राइंगल विच इज बी इसको कोई नेम नहीं दिया है हमने इसको नाम दे देते हैं लेट जी कर लेते हैं इसको अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे जिसमें सिक्सटी डिग्री होगा बी जी टी ठीक है तो मेंशन कर देते हैं इन ट्रायंगल बी जी डी क्या हो जाएगा टेन सिक्सटी डिग्री तो टेन सिक्सटी डिग्री को हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन जी डी तो जी डी तो फिर से एक्स हो जाएगा है ना टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री बी डी की वैल्यू हो गई एच प्लस फोर और जी डी की वैल्यू हो गई x तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू निकाल ली तो एच प्लस रूट थ्री ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू अब हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी हमने x की वैल्यू निकाली इसमें भी तो फ्रॉम इक्वेशन वन इन टू आई कैन राइट एच अंडर रूट थ्री विल बी बीक्वल टू एच प्लस फोर रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इस रूट थ्री का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा एच रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री एच इज इक्वल टू एच प्लस फोर तो सिंपली एच की वैल्यू कितनी आगे टू आ गई तो देखिए एच की वैल्यू आगे टू अब हम चेक कर लेते हैं मीटर में है यस टू मीटर तो हमें बलून की हाइट निकालनी है तो अब तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन लिख सकते हैं हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड बलून फ्रॉम द ग्राउंड तो बलून है हमारा पॉइंट ए पे मतलब एई e चाहिए ना ए e का मतलब लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी प्लस डीई तीनों को एड कर देंगे ए सी अभी, अभी हमने फाइंड आउट किया है टू मीटर तो टू प्लस सी डी था फोर और फिर ये टू था तो टू प्लस फोर प्लस टू फोर प्लस फोर एट मीटर सो वी कैन से फ्रॉम द ग्राउंड बलून की हाइट है एट मीटर दिस इज द आंसर थैंक यू क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर